अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सरोया ऑनलाइन इंडस टीवी से इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद टाउन में। जी नाज़रीन, जैसा कि बल्दियाती इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त जो है वो वोटिंग का अमल जो है वो जारी और सारी है। यहाँ पर लेंगे हम कुछ लोगों के व्यूज़ और उनसे पूछेंगे कि वो कैसे देखते हैं इन इलेक्शन को और क्या समझते हैं कि इसके बाद इसके क्या समझते हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन हैं इसके बाद क्या तब्दीली आने वाली है। देखें, ये जो लोकल गवर्नमेंट की जो इलेक्शंस होती हैं, ये इसका मतलब होता है कि ग्रास रूट लेवल तक पावर पहुंचाना आवाम को। मेरे भतीजे काशिफ साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं एडवांस में, और उसकी सारी टीम को एडवांस में मुबारकबाद देता हूं, मेयर होने की काशिफ साहब को इंशाल्लाह। और तकरीबन 40% जो हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से काशिफ साहब जीत चुके हैं, 40% हम अनअपोज आ गए हैं। और दूसरी बात के अब जैसा कि एमक्यूएम भी बायकॉट कर गई है, तो अब 100% चांसेस इंशाल्लाह हमारे हैं, और शाम को आप देखेंगे कि बहुत धूमधाम से हम रैलियाँ निकालेंगे। जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं इसके क्या नतायज निकलने हैं और इसके बाद तरक्की के कितने चांसेस हैं? जिसने भी जो काम किया है वो सबको पता है कि थ्रू आउटली जब सैलाब आया, बरसातें आईं, तो हमारे जो काउंसलर साहब हैं पहले भी या जो भी रह चुके हैं, जिन्होंने जो काम किया है वो सबके आगे है। लेट सी, टर्न आउट थोड़ा कम रहा है पर होपफुली अभी भी थोड़ा टाइम है, 2 आवर लेफ्ट हैं, होपफुली टर्न आउट आएगा। और अभी कुछ कह नहीं सकते, कबले वक्त होगा, पर जिसने जो काम किया है वो सबको पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PTI हो या जो भी GDA हो, मोहल्ले वालों को सब पता है कि सैलाब आया, अर्बन फ्लडिंग आई, फिर रेनफॉल हुआ, बारिशें हुई, तो जो जो मोहल्ले वालों के साथ थे वो सबको पता है होपफुली। बाकी एज सच को हम ये नहीं कह सकते कि कोई बड़ी तब्दीली आएगी, बाकी आई होप कि सब पार्टियों ने ये सबक सीखा है कि अभी जो है ना पब्लिक को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जब आप लोग जाते हैं तो आपके काम होते भी हैं या नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो किस हद तक होते हैं, या ये लोग जो हैं फिर गुम हो जाते हैं इलेक्शन होने के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, काम तो बिल्कुल ही होते हैं, क्योंकि पहले में ये होता था कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते थे, टाइम तो ज़्यादा ले लिया था। अभी माशाल्लाह से ये एक्टिव हो गए सारे, तो गली मोहल्ले में अभी आप यहाँ पे भी देखेंगे, कॉलोनी खाली, आप तेरे कैमरा घुमाएंगे ना, ये काम सारा उन्हीं का किया हुआ है। क्योंकि हम तो उनको ही प्रोवाइड देते हैं कि भाई आए, आगे आएँ, और हम जैसे लोकल बंदे इनको मिलते हैं काम के लिए, आगे हमें आगे करते हैं, तो इंशाल्लाह जो ना इस मदर मरता भी काम ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो लोग काफ़ी होपफुल हैं, और इनका ये भी कहना है कि हमारी पार्टी जीतेगी तो वो हमारे काम भी करती है, और वो इन इलेक्शन से काफ़ी खुश भी हैं और चाहते हैं कि ये जो है अच्छे तरीके से हो जाएँ, और हम जब अब की बार जब हम आएंगे तो ज़रूर हम कोई काम करेंगे। कुछ लोगों का ये भी काम कहना था कि तरक्याती काम जो हैं वो ज़रूर जो है वो होंगे इस बार, तो देखते हैं कि कितने तरक्याती काम होते हैं। होपफुली मुझे भी उम्मीद है कि शायद इस बार जो है वो हमारे पास ये काम होना शुरू हो जाए, लेकिन लोग काफ़ी होपफुल हैं और चाहते हैं कि ये इलेक्शन हों और हमारे काम होते रहें। कैमरामैन जान अली के साथ शाइस्ता सुरहो, ऑनलाइन इंडस्ट्री TV।